हेलो नमस्कार दोस्तों। अब देखिए भाई, अब हम आगे डेफिनेशन करेंगे स्टेप फंक्शन की। स्टेप फंक्शन क्या होता है? देख, ये फंक्शन सेट टू बी स्टेप फंक्शन डिफाइन ऑन फाई सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी और एक्सटेंडेड रियल नंबर पर है भाई ये डिफाइन। इफ देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन ए और बी के बीच में पार्टीशन एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू इस तरह से एक्स नॉट लेस एक्स वन लेस एक्स टू लेस एक्स वन इस तरह सच दैट इन ईच सब इंटरवल्स एक्स आई माइनस वन और एक्स आई ओपन इंटरवल में फाई क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है और फाई एक्स इज इक्वल टू सी आई हो गया और एक्स है किस तरह से इसके बीच में एक्स आई माइनस वन एक्स आई ओपन इंटरवल में और ये जो सी आई है फॉर सम पार्टीशन ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल ए बी सम सेट ऑफ कॉन्स्टेंट सी आई ये जो सी आई है सेट ऑफ कॉन्स्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल देखिए स्टेप फंक्शन का एफ सच दैट ए टू बी रियल नंबर एक्सटेंडेड रियल नंबर एफ एक्स जैसे अल्फा और बीटा है ए और बी के बीच में इंटरवल सी ले लिया तो एक्स की वैल्यू ए और सी के बीच में लेस देन इक्वल टू सी और बी लेस देन इक्वल टू तो ठीक है ना अल्फा बीटा बता दीजिए कॉन्स्टेंट है ठीक है। तो एक रिमार्क और आप ध्यान में रखिए कि एवरी स्टेप फंक्शन इज मिजरेबल ठीक है भाई। ये हमारी थ्योरम थी सॉरी डेफिनेशन रिमार्क हमने बता दिया कि एवरी स्टेप फंक्शन मिजरेबल होता है। थ्योरम देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये भी कई पार्ट हैं इसके अच्छी तरह से समझेंगे। लेट एफ एंड जी टू मिजरेबल फंक्शन है और रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइन ऑन सेम डोमेन ई देन फॉर एनी रियल सी देन फंक्शन कोई भी रियल नंबर है भाई सी मान लेते हैं हम उसको। जैसे मिजरेबल फंक्शन में कोई रियल नंबर जोड़ेंगे या गुणा करेंगे या फिर भाग देंगे मतलब सब में वो मिजरेबल ही रहेगा उसका रिजल्ट ये है भाई ये थ्योरम में ठीक है ना। मतलब इस थ्योरम के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि भाई किसी मिजरेबल फंक्शन में कोई रियल नंबर जोड़ा जाता है घटाया जाता है भाग गुणा सभी मिजरेबल और दो मिजरेबल फंक्शन को जोड़ेंगे तो फिर भी मिजरेबल घटाएंगे फिर भी मिजरेबल गुणा करेंगे फिर भी मिजरेबल और भाग देंगे डिवाइड करेंगे मतलब वो भी मिजरेबल होगा ठीक है ना। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और ये सभी रिजल्ट आगे आने वाली वीडियो हैं जो आगे आने वाला रिजल्ट है हमारे सभी जगह यूज होंगे तो ध्यान से करिएगा इस थ्योरम को ठीक है ना। आप इसको बेसिक भी समझ सकते हो और मोस्ट भी है ये ध्यान से समझिए भाई। देखिए लेट एफ एंड जी टू मिजरेबल फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन सेम डोमेन ई देन फॉर एनी रियल नंबर सी देन द फंक्शन एफ प्लस सी सी एफ एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ इंटू जी एफ बाई जी और मॉडुलस एफ सभी मिजरेबल होंगे हमने सबको मिजरेबल दिखाना है ठीक है ना। तो ठीक है भाई स्टेटमेंट में एफ और जी मिजरेबल गिवन है और इन सभी को हमने मिजरेबल दिखाना है ठीक है। अब देखिए सिंस एफ इज मिजरेबल फंक्शन एंड सी इज एनी रियल नंबर सी कोई भी रियल नंबर है भाई सी तो देन फॉर एनी रियल नंबर अल्फा एक सेट मानकर चलेंगे। जैसे अब हमने एफ प्लस सी को मिजरेबल दिखाना है एफ प्लस सी को मिजरेबल दिखाना है तो इसके लिए यही सेट मान के चलेंगे एक्स सच दैट एफ प्लस सी एक्स ग्रेटर देन अल्फा ये सेट कंसीडर करके चलेंगे सेट की फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट में और इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए आगे क्या करना है हम इस सेट को मिजरेबल दिखा देंगे तो यहां से एफ प्लस सी ऑटोमेटिकली मिजरेबल हो जाएगा। देखिए इसको इक्वल टू अब ये देखिए एक्स दैट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा ठीक है ग्रेटर देन अल्फा। अब यहां से आगे हम क्या कर देंगे एक्स सच दैट एफ एक्स इस सी को उस तरफ ले जाएं तो अल्फा माइनस सी हो जाएगा और अल्फा माइनस सी को आप थोड़ी देर के लिए अल्फा माने अल्फा मानेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा तो हमारा ये मिजरेबल हो जाएगा सेट ये सेट मिजरेबल हो गया तो इसके इक्वल वाला सेट भी मिजरेबल होगा। क्यों मिजरेबल हुआ ये क्योंकि एफ हमारा मिजरेबल गिवन है तो ये सेट मिजरेबल है डेफिनेशन में ही एफ और जी मिजरेबल गिवन है तो एफ मिजरेबल ये सेट मिजरेबल तो ये भी मिजरेबल ठीक है ना। तो हमारा ये मिजरेबल हुआ तो ये मिजरेबल और यहां से ये मिजरेबल होने के बाद ये इम्प्लाइज होता है कि एफ प्लस सी भी मिजरेबल होगा समझ में आया है। एफ प्लस सी को मिजरेबल दिखाना था तो इसको इस फॉर्म में इस सेट को मानकर चले अंदर मल्टीप्लाई करा सी को उस तरफ ले गए बस फिर ये हमारा मिजरेबल था तो ये मिजरेबल और ये मिजरेबल होने के बाद ये इसके कोण में था तो ये मिजरेबल तो ये मिजरेबल समझ में नहीं आया आसान था भाई ध्यान से समझे आगे देखिए।
तो हमने इस रिजल्ट से सीखा कि भाई किसी मिजरेबल फंक्शन में कोई रियल नंबर ऐड किया जाता है तो मिजरेबल ही रहता है। तो अब हम ये सीखेंगे कि भाई किसी सी एफ में, मतलब किसी मिजरेबल फंक्शन में किसी रियल नंबर की हम मल्टीप्लाई करवा दे तो भी मिजरेबल रहेगा, इस रिजल्ट को करेंगे। अब हमने ये रिजल्ट तो किया ही है, तो इसको करेंगे भाई सी एफ वाले को। देखिए अब देखिए भाई, अब हम सी एफ वाले को मिजरेबल दिखाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे सी एफ वाले को मिजरेबल दिखाएं, एफ प्लस सी को मिजरेबल दिखाना था, यहां पर एफ प्लस सी लेकर चले थे हम उसको मिजरेबल। अब एक बार एक्स सच दैट अब सी एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, ये सेट कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है ना। एक बार ये सेट हम मानकर चले हैं, इस सेट में देखिए आप सी को जीरो लेकर चले, सी को जीरो फर्स्ट केस है, जैसे सी को जीरो लेकर चले तो ये सारा जीरो, और जीरो सी एफ इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये यहां जीरो हो जाएगा। एक्स इज दैट जीरो ग्रेटर देन अल्फा, बी कांस्टेंट, तो जीरो कांस्टेंट है। वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज मिजरेबल, तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन हमारा मिजरेबल। तो फर्स्ट में अगर जीरो है सी, तो वहां तो हो गया कि भाई सी एफ हमारा मिजरेबल होगा। लेकिन c इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब कोई भी जो रियल नंबर है हम जिसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जीरो नहीं है, तो फिर क्या होगा, फॉर एनी रियल नंबर अल्फा, तो ये सेट तो हम मान के ही चले हैं, तो x सच दैट सी एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, ये सेट मानकर चले हैं, अंदर मल्टीप्लाई करिए x की बस। अब देखिए x सच दैट एफ एक्स इसी को बाई डिवाइड में ले जाए तो अल्फा बाई सी हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। ये वैल्यू तब आएगी जब c ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब कि c की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। और x इज दैट एफ एक्स अब की बार लेस देन अल्फा बाई सी, अब की बार भी ले जाना है डिवाइड में, तो फिर ये वैल्यू तब आएगी लेस देन अल्फा बाई सी जब c की वैल्यू हम नेगेटिव रख देंगे, ठीक है। तो राइट, सिंस राइट हैंड साइड इज मिजरेबल बिकॉज f इज मिजरेबल, बिल्कुल भाई, अब इसको आप f मानकर चले, इसको भी f मानकर चले, ये f मानकर चले तो मिजरेबल, ये मिजरेबल है। क्यों मिजरेबल है, क्योंकि ये सेट नहीं बन गया x सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, इसको अल्फा मानकर चले तो ये मिजरेबल है ना, यहां पर भी वही केस मिजरेबल, तो f मिजरेबल है, तो ये सेट मिजरेबल, ये भी सेट मिजरेबल, और ये दोनों सेट थे किसके पार्ट, इसी के तो पार्ट थे, इसी के तो हमने पार्ट किए थे, तो भाई हमारे ये मिजरेबल तो ये भी मिजरेबल, और ये मिजरेबल तो सी एफ मिजरेबल है ना, ये लिखा पाएगा अब आपको तो सी एफ मिजरेबल। तो हमने ये देखा कि भाई मिजरेबल फंक्शन में किसी भी रियल नंबर के मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मिजरेबल ही रिजल्ट आएगा, फॉर एनी रियल नंबर अल्फा। अब हमने ये दिखाना है तीसरा रिजल्ट है जो एफ प्लस जी मिजरेबल होगा, है ना, एफ प्लस जी को दिखाना है कि भाई ये भी मिजरेबल था, ये भी मिजरेबल, तो दो मिजरेबल फंक्शन को ऐड करेंगे तो वो भी मिजरेबल ही आएगा। अब ये है तो फॉर एनी रियल नंबर अल्फा, अब सेट तो हम यही कंसीडर करके चलेंगे क्योंकि एफ प्लस जी को दिखाना है, एफ माइनस जी को तो यहाँ पर, तो आप समझ जाइए कि भाई सी एफ को दिखाना तो ये यहाँ सी एफ ले लेंगे, एफ प्लस सी को तो सी, अब एफ प्लस जी को दिखाना तो ये सेट लेकर चलेंगे एक्स सच दैट एफ प्लस जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा इक्वल टू, अब ये देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दें एफ एक्स प्लस जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, एक्स सच दैट एफ एक्स, अब यहां से आगे जी एक्स उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब बाय द कोरोलरी ऑफ द एक्सियम ऑफ आर्कमिडीज, आर्कमिडीज क्या कहते हैं कि भाई बिटवीन टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर, कि दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट होता है, तो इसलिए देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर आर, मान लिया भाई हमने कि आर होगा इसके बीच में, तो अब देखिए आर माइनस जी एक्स, आर माइनस जी एक्स था और एफ था, है ना, हम इस चीज को इस तरह से नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते भाई, देखिए इस तरफ ये क्लोज था, मतलब इस तरफ ओपन था, तो देखो इस तरफ ओपन कर दिया है ना, ये एक बार इसको भूल जाएं आप, तो अल्फा माइनस जी एक्स और लेस देन एफ एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स, है ना, तो ये हो गया, देखो ये सेम है और इसके बीच में एक रियल नंबर आर है, ले लिया आर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इस चीज को देखिए मैं कैसे लिखूंगा, ये समझ में आया भाई, देखिए अल्फा माइनस जी एक्स ये लिख दिया, ठीक है। अब इस तरफ ये क्या है, ये चौंच है इस तरफ है, तो इस तरफ भी देखिए चौंच है, तो इस तरफ से ये ओपन है तो एफ एक्स और बीच में एक आर है, समझ जाइए भाई आप इसको, ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई यहाँ पर अल्फा माइनस जी एक्स, हम इस रिजल्ट को लेकर चले पहले इस इतने को, इसके बीच में आर्कमिडीज के अनुसार एक रियल नंबर एग्जिस्ट हुआ, तो अब हम इतने को लेकर चले तो देखिए माइनस का जी एक्स इस तरफ और इसको उस तरफ, मतलब हम ये रिजल्ट लेकर चले माइनस जी एक्स और ये आर माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ये माइनस कॉमन लेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा माइनस आर, एक तो ये आ जाएगा और एक बाकी को तो हम ये लेकर ही चले,
ये किस तरह से हुआ, ये इनक्वालिटी चेंज होगी, पता चला ना, माइनस कॉमन लेंगे तो इनक्वालिटी चेंज होगी और ये एच डी है, ठीक है। इसको अब मैं आगे ये लिख दूंगा एफ एक्स ग्रेटर देन आर, देखिए इस तरफ ओपन है तो ओपन है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये बेसिक चीजें हैं। चलो भाई, तो भाई हमने ये इसको लिखा, तो एक्स सच दैट हम एफ प्लस जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा को ये लेकर चले थे। तो अब देखिए, अब यूनियन आर लगा दीजिए, अब यूनियन लगा देंगे भाई, सभी आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे, सभी आर कवर हो जाएंगे, मतलब जो जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट होंगे, तो यूनियन में आर वन टू इनफाइनेट मतलब सभी। एक्स सच दैट जी एक्स, ये जो है जी, देखिए एक्स सच दैट एफ प्लस जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया भाई, किस तरह से लिखा, यूनियन लगा दी भाई हमने, ठीक है ना, सभी रेशन नंबर के लिए, और एक्स सच दैट जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा माइनस आर, ये सेट, और फिर इंटरसेक्शन इसके साथ भाई, एक्स सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन आर। अब आप देखिए जी और एफ हमारे क्या है, मिजरेबल है, गिवन है भाई स्टेटमेंट में आपको, तो जी ग्रेटर देन इसको अल्फा मानिए, जी ग्रेटर देन अल्फा, तो यहां से क्या हो जाएगा, जी मिजरेबल है तो ये पूरा सेट मिजरेबल, एफ मिजरेबल है तो ये भी मिजरेबल, ठीक है। और काउंटेबल यूनियन क्या होती है हमारी, मिजरेबल होती है, तो ये सारा कंप्लीट, और दो मिजरेबल सेट के इंटरसेक्शन भी मिजरेबल होते हैं, वे पिछले रिजल्ट, तो ये सब सारा मिजरेबल, ये सारा मिजरेबल, तो ये मिजरेबल, और ये सेट मिजरेबल, तो एफ प्लस जी भी मिजरेबल। इस थ्योरी में इसके अलावा कुछ भी लिखा पाएगा, सिंस एफ और जी मिजरेबल है तो इसलिए राइट हैंड साइड में ये मिजरेबल हो जाएगी, इंटरसेक्शन दो मिजरेबल सेट की मिजरेबल होगी, काउंटेबल यूनियन भी मिजरेबल होगी, ये कंप्लीट मिजरेबल, इसके इक्वल तो ये भी मिजरेबल, और ये मिजरेबल तो इसके अंदर जो सेट है एफ प्लस जी इज मिजरेबल, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने एफ माइनस जी को दिखाना है, एफ माइनस जी को मतलब दो मिजरेबल फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन भी मिजरेबल होगी वो दिखाना है। तो आप एक सी एफ वाला केस करके दिखाइए, मैंने पीछे कंप्लीट किया है, सी एफ वाला जीरो लेकर, और भाई जीरो लेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, नॉन जीरो लेंगे तो फिर उसमें हमने बताया था, और एक एफ प्लस जी का भी अभी कराया, तो ये दो कर दें, एफ माइनस जी का अगर आपसे पूछे कि एफ माइनस जी, एफ और जी मिजरेबल है तो एफ माइनस जी भी मिजरेबल होगा, तो आप दो प्रूफ डाल दें, सी एफ वाला और एफ सी एफ वाला और एफ प्लस जी वाला, तो ये दोनों डालने के बाद आप क्या करेंगे, एफ माइनस जी आपका मिजरेबल हो जाएगा। तो ये लिख रखा बाय टू एंड थ्री, बाय टू एंड थ्री द रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है। अब हमने टू प्रूव एफ इंटू जी, अब दो मिजरेबल फंक्शन की हमने मल्टीप्लीकेशन को मिजरेबल दिखाना है, ठीक है ना, तो इसको मिजरेबल दिखाने के लिए देखिए एफ इंटू जी को मैं ये मानकर चलूंगा, ये आपको ध्यान में रखना है, वैसे आप इसको सोल्व करेंगे ना एफ इंटू जी ही आ जाएगा। देखिए आप वन बाय टू किस तरह से ध्यान में रखेंगे, एफ प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है ना, इसको सोल्व करेंगे, इसकी आइडेंटिटी ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, और ये जो भी इसको सोल्यूशन के बाद एफ इंटू जी पर पहुंच जाएंगे आप, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इसमें केवल एफ स्क्वायर को अगर मिजरेबल दिखा दे, एफ और जी और एफ प्लस जी को, तो हम मिजरेबल पता ही है भैया, एफ और जी तो मिजरेबल है, इनका एडिशन भी मिजरेबल, किसी तरह से हम स्क्वायर को मिजरेबल दिखा दें तो फिर ये भी मिजरेबल, ये भी तो ये कंप्लीट मिजरेबल, तो ये मिजरेबल, यही हमारा प्लान रहेगा। देखिए फर्स्टली वी सेल्फ प्रूव दैट एफ स्क्वायर इज मिजरेबल, है ना, कंसीडर एफ स्क्वायर को मिजरेबल दिखाएंगे तो एक्स दैट एफ स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन अल्फा, यही सेट मानकर चलेंगे भाई, एक्स दैट एफ एक्स का होल स्क्वायर लगा सकते हैं भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन अल्फा। अब यहाँ देखिए, अगर अल्फा की वैल्यू जीरो से छोटी रखेंगे ना आप, नेगेटिव में रखेंगे तो ई आ जाएगा, और भाई एक्स सच दैट अगर यहां पर आप प्लस की वैल्यू रखेंगे तो दो रूट नहीं आएंगे यहां पर, प्लस माइनस का, तो रूट अल्फा और माइनस का रूट अल्फा, यूनियन के फॉर्म में देखिए, एक्स सच दैट एफ एक्स रूट अल्फा, फिर यूनियन एक्स सच दैट एफ एक्स लेस देन माइनस रूट अल्फा, माइनस वाले से लेस देन होगा, ठीक है, ये तब होगी जब जीरो रखेंगे और जीरो से बड़ी वैल्यू रखेंगे, तो ये आपने ध्यान में हुआ भाई, ये सेट देखकर ही बताना है कि यहां पर ये आ जाएगा और यहां पर दो रूट आएंगे। देखिए भाई ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पांच है तो रूट प्लस माइनस का आएगा, तो यहां अल्फा की फॉर्म में वही है अल्फा, देखिए एक्स दैट ग्रेटर देन रूट अल्फा, और फिर यूनियन में ले ले तो ये, ठीक है,
तो अब देखिए एप हमारा क्या है, मिजरेबल है, तो ये कंप्लीट सेट इसको अल्फा मान लीजिए आप, एक्स इज दैट एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा मिजरेबल, तो इसको भी अल्फा मान लीजिए, तो ये भी मिजरेबल, एप मिजरेबल है तो ये भी मिजरेबल, दो मिजरेबल सेट की यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होती है, मिजरेबल, तो यहां पर यूनियन है तो ये भी मिजरेबल होगी, तो कुल मिलाकर ये कंप्लीट मिजरेबल है ना, और ई तो हमारा पहले से मिजरेबल था ही, तो हेंस यूनियन, तो ये यही लिख रखा है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स इज मिजरेबल, ठीक है, तो वही हमारा ये कंप्लीट मिजरेबल हुआ, तो ई हमारा मिजरेबल हम पहले बता चुके, तो ये कंप्लीट मिजरेबल, तो इसके इक्वल में ये चला हुआ था ये मिजरेबल, तो एफ स्क्वायर मिजरेबल है ना, एफ और जी हमारा पहले से मिजरेबल था ही, एफ इंटीजर को एफ प्लस जी का फिर होल स्क्वायर करेंगे वो मिजरेबल, एफ स्क्वायर मिजरेबल, क्योंकि आप इसको थोड़ी देर के लिए एफ मान लेते, एफ स्क्वायर अभी मिजरेबल दिखाया, जी स्क्वायर भी इसी तरह से मिजरेबल, तो होल मिजरेबल हुए, सभी मिजरेबल हुए, तो देखिए तो ये देखिए ये माना ये मिजरेबल ये मिजरेबल ये मिजरेबल, तो सी के साथ मल्टीप्लाई 1/2 के साथ मल्टीप्लाई मिजरेबल, तो कंप्लीट मिजरेबल हुआ ना, तो ये भी मिजरेबल, तो यही प्लान, तो देखिए तो हमारे मिजरेबल हुई, और सम एंड डिफरेंस क्या होता है, दो मिजरेबल फंक्शन का मिजरेबल होता है, तो एफ प्लस जी का होल स्क्वायर मिजरेबल, ये कंप्लीट मिजरेबल वही बता चुका हूँ मैं, अब यहाँ पर थ्योरी में लिख रखा है ये मिजरेबल, तो ये सारा मिजरेबल तो इसके इक्वल एफ जी था, ये मिजरेबल, तो एफ जी को भी हमने मिजरेबल दिखाया है। अब भाई हमने सिक्स में क्या प्रूव करना था कि एफ बाई जी, एफ और जी मिजरेबल है, तो इनका मतलब डिवाइड भाग करेंगे हम दो मिजरेबल फंक्शन का, या डिवाइड करेंगे वो भी मिजरेबल होगा, जी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती भाई, क्योंकि फिर तो इनफाइनिट हो जाएगा, तो जी नॉन जीरो होगा, इज मिजरेबल। अब इसको मिजरेबल दिखाने के लिए देखिए, एफ बाई जी को हम ये लिख सकते हैं एफ इंटू वन बाई जी लिख सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, इज मिजरेबल। अब अगर हम वन बाई जी को मिजरेबल दिखा दे, अब तो हमारा पहले मिजरेबल है ही, ठीक है ना, तो इसके लिए इसको मिजरेबल दिखाएंगे, तो वही सेट कंसिडर करेंगे, एक्सेस दैट वन बाई जी करली ब्रैकेट के अंदर और ग्रेटर देन अल्फा, तो ठीक है भाई एक्स हमने यहाँ लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है ना सिस्टम, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, बिल्कुल ध्यान में देखिए, आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्स जी एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो जब होगी, जब यहाँ जीरो रख दे, अल्फा इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा जी एक्स होगा, ये ध्यान रखिए, एक्स सच दैट ग्रेटर देन जीरो और इंटरसेक्शन जी एक्स वन बाई अल्फा, यहाँ पर रेसिप्रोकल, यहाँ पर जी एक्स, तो रेसिप्रोकल ले लीजिए, ठीक है, लेस देन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, और एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर और जीरो से लेस, देखिए एक्स सच दैट जी एक्स ग्रेटर देन जीरो, जब अल्फा की वैल्यू जीरो होगी, एक्स सच दैट जी एक्स ग्रेटर देन जीरो इंटरसेक्शन एक्स जी एक्स लेस देन वन बाई अल्फा, जब अल्फा की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। अब जब अल्फा की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो क्या होगा, जी एक्स ग्रेटर देन यूनियन ले ले लेस देन जीरो, तो यहाँ ग्रेटर देन जीरो, एक्स सच दैट जी एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स सच दैट जी एक्स लेस देन जीरो। अब इंटरसेक्शन ले लीजिए इसी सेट के साथ, ये था जो इंटरसेक्शन एक्स सच दैट जी एक्स लेस देन वन बाई अल्फा इफ अल्फा लेस देन जीरो। देखो भाई मैंने समझा तो दिया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना, तो थ्योरम में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि भाई आप वीडियो देखकर एक्सपर्ट नहीं होंगे, आपको ये लिख कर देखनी पड़ेंगी दो तीन बार, आपको रिजल्ट ध्यान में रखने होंगे कुछ, तो तब आप इसको ईजीली कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है जी। हमारा डेफिनेशन में मिजरेबल गिवन है, और इंटरसेक्शन और यूनियन दो मिजरेबल सेट की मिजरेबल होती है, इसलिए सारा मिजरेबल, और ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल, तो ये मिजरेबल था, वन बाई जी मिजरेबल, वन बाई जी मिजरेबल, तो इसके साथ सी की मल्टीप्लाई है, दो मल्टीप्लाई को तो हम पहले ही इक्वल दिखा चुके हैं, एफ जी को, तो दो मिजरेबल फंक्शन की मल्टीप्लाई मिजरेबल होगी, तो ये मिजरेबल तो ये मिजरेबल है। अब आगे देखिए थ्योरी को आप, तो देखिए We know that product of two miserable function is miserable, वही लिख रखा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हमने modulus f को miserable दिखाना है, तो for any real number alpha, तो modulus f को, तो modulus f में consider करके चलेंगे set को, x such that modulus f x greater than alpha, तो modulus है ये complete में ले सकते हैं f of x। अब देखिए modulus में क्या होगा, मतलब कि भाई plus की value और minus की value है ना, minus में हमेशा less than होगा, less than, तो x such that f x greater than alpha, union लेजिए x, यूनियन ले लीजिए एक्स सच दैट एफ एक्स लेस देन माइनस अल्फा, ठीक है भाई। और यहाँ ये तब है जब वैल्यू आपकी जीरो या जीरो से बड़ी होगी इस सेट में, ठीक है।
और जीरो से छोटी रखेंगे तो आप ई आ जाएगा, ठीक है। और एफ, ये एफ हमारा मिजरेबल, तो ये मिजरेबल, ये मिजरेबल, दो मिजरेबल सेट की यूनियन मिजरेबल, तो ये तो मिजरेबल हुआ, और ई हमारा पहले से मिजरेबल है, यही लिख रखा है एफ एंड ई आर मिजरेबल, तो ये कंप्लीट मिजरेबल हुआ, ये कंप्लीट मिजरेबल हुआ, तो ये मिजरेबल, ये मिजरेबल, तो इसके अंदर ये इसके इक्वल था, तो मॉडुलस एफ भी हमारा मिजरेबल हुआ, ठीक है। अब देखिए भाई, रिमार्क को ध्यान में, थ्योरम हमारी कंप्लीट हो चुकी है, रिमार्क को ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए क्या है कि इफ मॉडुलस एफ इज मिजरेबल देन एफ मे और मे नॉट बी मिजरेबल। ये क्या है कि मॉडुलस, अगर एफ मिजरेबल है ना तो मॉडुलस एफ तो 100% मिजरेबल होगा, लेकिन अगर मॉडुलस एफ मिजरेबल है ना तो देन एफ मिजरेबल हो भी सकता है और नहीं भी, मे नॉट और मे नॉट बी, है ना, तो हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये गारंटीड बात नहीं है। हाँ एफ है तो मॉडुलस एफ जरूर होगा, लेकिन मॉडुलस एफ है तो एफ हो भी सकता है नहीं भी, तो ठीक है ये।